हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे लोअर लिम्ब की नर्व सप्लाई के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा था लोअर लिम्ब की और मसल्स के बारे में आज हम देखेंगे लोअर लिम्ब की सभी नर्व सप्लाई के बारे में देखते हैं पहला है ग्ल्यूटियल रीजन की मसल्स इसमें देखते हैं कौन कौन सी रीजन में कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है पहली है ग्लूटियस मैक्सीमस ग्लूटियस मैक्सीमस को जो नर्व सप्लाई होती है उसका नाम है इन्फीरियर ग्लूटियस नर्व इन्फीरियर ग्लूटियस नर्व दूसरी मसल्स है ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मिनिमस और टैंसरफेशियालाटा इन तीनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मिनीमस एंड टेंसर फेसिय लाटा इन तीनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व नेक्स्ट है ग्लूटियस सुपीरियर इसको जो नर्व ग्लूटियस सुपीरियर और ऑप्टोरेटर इंटरनस इन दोनों को ग्लूटियस सुपीरियर और ऑप्टूरेटर इंटरनस इन दोनों को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है नर्व टू नर्व नर्व टू ऑपटूरेटर इंटरनस नर्व टू ऑप टू टस ऑप्टोरेटर इंटरनस नेक्स्ट है हमारी ग्लूटियस इंफीरियर ग्लूटियस इंफीरियर एंड क्वारेटस फिमोरिस इन दोनों को एक ही नर्व सप्लाई होती है Quad क्वारडेटस फीमोरिस एंड ग्लूटियस इन्फीरियर इन दोनों का एक ही नर्व सप्लाई होती है जिसका नाम है नर्व टू क्वारेटस फीमोरिस नर्व टू क्वारेटस फीमोरिस नेक्स्ट है अपना क्वारेटस एक्सटर्नस इसको केवल एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है पोस्टीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन ऑप्टूरेटर नर्व ऑप्टूरेटर नर्व एंड नेक्स्ट है प्रीफॉर्मिस प्रीफॉर्मिस को जो नर सप्लाई करती है उसका नाम है वेंट्रल वेंट्रल रेमाई एस वन एस टू आने वाले सब वीडियोज़ में हम सभी प्लेक्सस के बारे में जानेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेंट्रल राम एस वन एस टू है क्या एक्चुअल में ये हमारी हो गई ग्लूटियल रीजन की नर्व सप्लाई नेक्स्ट है थाई रीजन की नर्व सप्लाई देख लेते हैं थाई को हमने तीन रीजन में डिवाइड किया गया है फ्रंटल फ्रंट पार्ट मीडियल पार्ट एंड बैक ऑफ थाई तो फ्रंट पार्ट जो है फ्रंट पार्ट को जो नर्व सप्लाई होती है फ्रंट पार्ट में तीन मसल्स हैं इन तीनों मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है फ़ीमोरल नर्व फीमोरल नर्व दूसरा है मीडियल रीजन की मसल्स के नर्व सप्लाई होती हैं देख लेते हैं मीडियल रीजन को भी एक पूरी मीडियल रीजन को भी एक ही मसल सप्लाई करती है जिसका नाम है ऑफ टूरेटर नर्व ऑफ टू रेटर नर्व नेक्स्ट बैक ऑफ थाई बैक ऑफ थाई में थोड़ा लफड़ा है इसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं बैक ऑफ थाई इसको बेसिकली बैक ऑफ थाई को सियाटिक नर्व सप्लाई करती है सियार्टिक नर्व जो होती है सियार्टिक नर्व दिस इज अटिक नर्व ये दो डिवीज़न देती है एक है कॉमन कॉमन पेरेनियल पार्ट एंड दूसरी है टीबियल पार्ट टीबियल पार्ट तो जो सेमी टैंडिनोस होती है और जो सेमी मेम्ब्रोस होती है इन दोनों को सियाटिक नर्व की टीबियल पार्ट्स सप्लाई करती है तो हम कह सकते हैं टीबीएल पार्ट ऑफ सियार्टिक नर्व टीबीएल पार्ट ऑफ सियार्टिक नर्व नेक्स्ट है बाइस बाइसेप्स फेमोरिस बाइसेप्स फेमोरिस दो पार्ट्स में डिवाइड होती है एक इसका है लॉन्ग हेड एंड एक इसका है शॉर्ट हेड ऐसे ही एडेक्टर मैग्नस एडेक्टर मैग्नस के भी दो पार्ट्स होते हैं एक है अडक्टर एक है एडक्टर और दूसरा है हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग जो ल, जो बाइसेप्स फिमोरिस का लॉन्ग हेड होता है और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है इन दोनों को जो नर्व सप्लाई करती है वो है कॉमन पेरोनियल कॉमन पेरोनियल ऑफ सियाटिक नर्व एंड जो बाइसफ हिमो इसका शॉर्ट हैंड है एंड अडक्टर पार्ट है शॉर्ट पार्ट एंड अडक्टर पार्ट इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो है टीबीएल पार्ट ऑफ सी आरटिक नर्व ये हमारा हो गया बैक ऑफ थाई की नर्व सप्लाई नेक्स्ट देख लेते हैं लेग की सप्लाई के बारे में लैग लैग में कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है देख लेते हैं लैग में पहली है एंटीरियर डिवीज़न यानी एक्सटेंसर डिवीज़न एंटीरियर डिवीज़न को जो नर्व सप्लाई होती है उसको केवल एक ही नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर डिवीज़न में जिसका नाम है डीप पेरोनियल नर्व इसको केवल एक ही नर्व सप्लाई करती है इसका नाम है डीप पेरोनियल नर्व डी पेरेनियल नर्व का एक क्लिनिकल है जो कि कैसे पैर की फर्स्ट टो एंड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट टो एंड फर्स्ट फिंगर के बीच चेक करते हैं जब कोई बंदा या पेशेंट चेक करते हैं कि कहीं ये पैरालाइज तो नहीं है इसलिए उसको चेक करने के लिए फर्स्ट टो और फर्स्ट फिंगर के बीच में सुई इंसर्शन करा कर देखते हैं कि कहीं इसकी डीप पेरोनियल नर्व में कोई लफड़ा तो नहीं है कोई डैमेज तो नहीं है ये एक क्लिनिकल पॉइंट है डीप पेरोनियल नर्व का नेक्स्ट देख लेते हैं लेटरल पार्ट लेटरल पार्ट में जो नर्व सप्लाई होती है उसका नाम है सुपरफिशियल सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व पैरोनियल नर्व पैरोनियल नर्व नेक्स्ट है फ्लेक्जर कंपार्टमेंट बोल सकते हैं या फिर इसी को हम बोल सकते हैं पोस्ट्रियर डिवीजन ऑफ लेग पोस्ट्रियर डिवीजन ऑफ लेग को जो नर्व सप्लाई होती है इन सभी को सुपीरियर डिवी सुपीरियर रीजन की मसल्स एंड डीप रीजन की जो मसल्स हैं इन सभी को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसे हम कहते हैं टीबीएल नर्व इसमें बेसिकली टीबीएल नर्व ही सप्लाई करती है ये हमारी हो गई लेग की नर्व सप्लाई नेक्स्ट देख लेते हैं सोल की सप्लाई सोल में कौन कौन से नर्व सप्लाई होती है सोल में हमने देखा है पिछले वीडियो में सोल की मसल्स से हम चार लेयर में डिवाइड किया था अब सोल की मसल्स में जो नर्व सप्लाई होती है जो इसमें प्लांटर नर्व होती है प्लांटर नर्व आगे चल के प्लैग में सोल में टू डिवीजन देती है एक है लेटरल प्लांटर नर्व और एक है मीडियल प्लांटर नर्व तो मीडियल प्लांटर नर्व जो होती है वो कुछ ही मसल्स को सप्लाई करती है बाकी जो लेटरल प्लांटर नर्व होती है वो सभी मसल्स को सप्लाई देती है तो पहले हम देखते हैं मीडियल प्लांटर नर्व कौन कौन सी मसल्स को नर्व सप्लाई देती हैं तो अडक्टर हेलोसिस ब्रेविस फ्लग फ्लेक्ज, फ्लैक्र डिजिटोरम ब्रेविस एंड लम्बराइकस का फर्स्ट प फस्ट लम्ब्राइकस का फर्स्ट फिंगर एंड फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर हैलोसिस ब्रेविस ये सा इन सभी को एक ही नर्व सप्लाई करती है जिसका नाम है इसका नाम है मीडियल प्लांटर नर्व मीडियल प्लांटर नर्व बाकी की जितनी भी मसल्स हैं इन सभी को लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है इन सभी को बाकी की जितनी है उन्हें लेटरल उन्हें यहाँ लिख देते हैं इन सभी को लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है लेकिन कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनको टीबियल नर्व सप्लाई देती है जैसे फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गर। हमने डीप में भी देखा था फ्लेक्जर हेलोसिस लॉन्गर फ्लेक्सर डिजिटल लोंगस यहाँ पर भी हमने देखा था फ्लैग्जर डिजिटी लोंगस नेक्स्ट है हमारी टी बी एलिस टी बी एलिस पोस्टीरियर एंड पैरोनियस लोंगस इन सभी को टी बी एल इन सभी को मैं लिख देता हूँ अलग से इन सभी को इन सभी को टीबियल नर्व सप्लाई करती है बाकी की जितनी भी मसल्स हैं इन सभी को लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई करती हैं तो ये हमारा हो गया ऑल लोअर लिम की ऑल नर्व सप्लाई के बारे में हमने देख लिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए थैंक यू बाय बाय